हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द संकल्प। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल नीनो एंड ला नीना। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की काफी टाइम से डिमांड थी, सर ये बता दो एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है। हम सुनते हैं लेकिन समझ नहीं आती कि इससे वेदर जो पैटर्न है कैसे इंपैक्ट होते हैं, कैसे इंडिया का मानसून इंपैक्ट होता है, कैसे इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं जी इसका, हमारे वेदर पैटर्न पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज ला नीना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, मॉनसून पैटर्न एल नीनो एंड ला नीना। ठीक है, एल नीनो का मतलब क्या, लैटिन वर्ड है, इट इज अ लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग है लिटिल बॉय। इट इज अ लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग है लिटिल बॉय, और ला नीना का मीनिंग है लिटिल गर्ल। ठीक है जी, दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, एल नीनो मतलब लिटिल बॉय, ला नीना इज लिटिल गर्ल। ठीक है जी, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ साइकिल कॉल्ड एल नीनो ऑसिलेशन। जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स घूमती हैं, ठीक है, उसी का पार्ट है एल नीनो ऑसिलेशन का पार्ट है ये दोनों, एल नीनो एंड ला नीना। ठीक है जी, तो एल नीनो क्या है, जब एल नीनो इस बार 2023 जो इस साल हमारा साल था 2023, दिस वॉज एल नीनो, इस साल क्या रहा, एल नीनो। ठीक है, तो जो एल नीनो है बेसिकली, एल नीनो में मॉनसून वीक हो जाता है। ठीक है, खैर इस साल हमारे पहाड़ों में बहुत बारिश हुई, ठीक है, वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हुआ, पहाड़ों में बहुत बारिश हुई, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है, ठीक है जी, जो साउथर्न इंडिया है, जो वेस्ट इंडिया, वहां पे बारिश कम हुई कंपैरेटिवली। ठीक है जी, तो एल नीनो में क्या होता है, जो इंडिया में मॉनसून है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉनसून है, वो वीक हो जाता है। ठीक है जी, उससे कम बारिश होती है एल नीनो से। अकॉर्डिंग टू आईएमडी डेटा, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 1902, 1905, 1951, 1965, 72, 1982, 1987, 2002, 2004, 2009, 2015, ये सब क्या रहा जी एल नीनो, इन सालों में क्या रहा, एल नीनो देखने को मिला हमें। ठीक है, मॉनसून का कौन सा सिस्टम, एल नीनो पैटर्न हमें देखने को मिला। एल नीनो इज अ वेदर पैटर्न, अकर्स एवरी 2 to 7 इयर्स, ये वेदर पैटर्न है, हर 2 से 7 साल के बीच में एल नीनो अराइज होता है, एल नीनो बनता है। ठीक है जी, तो अभी एल नीनो का सिस्टम क्या, चलता कैसे एल नीनो। ठीक है, देखो अभी हम देखते हैं, पहले देखते हैं ला नीना। ठीक है, ट्रेड विंड्स, ये देखो जी, ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका, जहां पे मेरा कर्सर है ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे क्या है, पेरू, यहाँ पे क्या है, पेरू कंट्री है, पेरू। ठीक है जी, द ट्रेड विंड्स ब्लोस फ्रॉम पेरू कोस्ट, यहां से जो ट्रेड विंड्स चलती हैं नॉर्मल साइकिल में, देखो ये आपको दिख रहे हैं रेड कलर की, ये ट्रेड विंड्स चल रही है जो पेरू से ट्रेड विंड्स चलती है। ठीक है जी, ये नॉर्मल साइकिल है, पेरू से क्या चलती है, ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, जो एशिया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न पैसिफिक है, इस तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है, क्योंकि पेरू में क्या रहता है, हाई प्रेशर, और पेरू से जो ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न पैसिफिक में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हवाएं चलती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब ला नीना होता है, जिस साल ला नीना होता है जी, ला नीना, उस साल क्या होता है, ये जो विंड्स हैं, ठीक है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं, आप नीचे देखिए अगेन आ जाओ, यहाँ पे क्या है, पेरू, पेरू। ठीक है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है जी, पेरू में क्या होता है, हाई प्रेशर विंड्स का, देखो एक विंड्स का नेचर है, इट ऑलवेज ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये विंड का फिक्स फॉर्मूला है, देन ठीक है जी, फिक्स पैटर्न है। तो पेरू में यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर। ठीक है जी, पेरू में हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे जो समंदर का पानी है, जो सी वाटर है, वो जो ओशन वाटर है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर, ठंडा होता है, और यहाँ से वार्म विंड्स चलती हैं, और इस साइड से जो विंड्स हैं, वार्म विंड्स चलती हैं जी, ये देखो ये चलती हैं एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है जी, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। ये आपको साइड में क्या दिख रहा है, ये दिस इज इंडिया। ठीक है, ठीक है, इस तरफ क्या चलती है जी, ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो देखिए ट्रेड विंड्स ब्लोस फ्रॉम द पेरू कोस्ट, क्रिएट्स हाई प्रेशर इन पेरू एंड लो प्रेशर इन वेस्टर्न पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, एशियन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, तो इससे क्या होती है, जो ट्रेड विंड्स हैं वो चलती हैं, जो गर्म हवाएं हैं, जो वार्म विंड्स हैं, नमी लेके चलती हैं एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ। ठीक है, और इससे जो एशियन, जो हमारा एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक रीजन है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होती है, यहाँ पे क्या होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है इससे ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है और ये करती हैं जो इंडिया की मॉनसून विंड्स हैं, जो भारत में मॉनसून विंड्स आती हैं, ये मॉनसून विंड्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है जी, जो ये लानीना है, लानीना मॉनसून विंड्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है जी, इससे भारत में अच्छा मॉनसून होता है, हेल्प आउट करता है। इट रिजल्ट्स इन गुड देन एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल से ज्यादा अच्छी रेनफॉल होती है लानीना में। ठीक है, जब पेरू से, पेरू पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहां से वार्म विंड्स चलती हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है जी, गुड देन एवरेज रेनफॉल, एवरेज से अच्छी रेनफॉल होती है। ठीक है, इन दीज एरियाज विच इज बून फॉर एग्रीकल्चर, और ये जो एवरेज से ज्यादा अच्छी रेनफॉल होती है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है जी, एंड अलाइड इंडस्ट्रीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमारा इंडिया है, इसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है मॉनसून पे। ठीक है, तो इन विंड्स के कारण जो मॉनसून विंड्स है वो स्ट्रांग होती है, मॉनसून विंड स्ट्रांग हो जाती है और इंडिया के एग्रीकल्चर पे इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जी, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पे क्या है, इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या रहता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जो यहाँ से पेरू से चलती है। ठीक है, एंड हाई प्रेशर इन पेरू कॉस्ट राइजेस डीप सी अनवेलिंग अपवेलिंग सॉरी, जो यहाँ पे पेरू में हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पे जो डीप सी अपवेलिंग होती है, डीप सी अपवेलिंग क्या है, जो गहरे समंदर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो ठंडा पानी है, जो कोल्ड वाटर है, वो ऊपर आ जाता है जी, वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, जो प्लैंकटन्स हैं, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो ये इस एरिया में क्या होता है, सारा कोल्ड वाटर। ठीक है जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कोल्ड वाटर, ठीक है, ये सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, पेरू कोस्ट में, और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ये प्लैंकटन्स हैं, कोल्ड वाटर, ये साउथ अमेरिका की फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत शानदार फिशिंग होती है। देखो क्या है, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, प्लैंकटन ऊपर सरफेस पे आते हैं, तो बहुत सारी मछलियां आती है, क्या फिशेस का फूड है, तो बहुत ज्यादा मछलियां आती हैं खाने के लिए, तो यहाँ की जो मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर्स की फिशिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, हाई प्रेशर इन पेरू कॉस्ट अराइजेस डीप सी अपवेलिंग विच पुशेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑन सरफेस विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, जो वेस्ट, जो ये हमारा वेस्ट साउथ अमेरिका है, इसकी फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया, पेरू की जो मिलियन ऑफ डॉलर्स की फिशिंग इंडस्ट्री है इसको बहुत फायदा होता है जी, किस चीज से, लानीना से। और भारत में क्या होता है, बहुत अच्छा मॉनसून आता है लानीना के कारण, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स चलती हैं पेरू कोस्ट से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ या एशिया की तरफ, उससे बहुत अच्छी बारिश होती है, तो लानीना का हमारी इकोनॉमी पे क्या है, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। डन, तो आप समझ गए जी लानीना क्या है, लानीना क्या है, पेरू कोस्ट में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ से वार्म विंड्स चलती हैं टूवर्ड्स द एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वेस्टर्न पैसिफिक इस तरफ। ठीक है, और इस इन विंड्स के कारण इन प्लेसेस पे बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मॉनसून को ये विंड स्ट्रॉन्ग करती है और मॉनसून का बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी भी साइंस बहुत क्लियरली इसको नहीं समझ पाई है कि लानीना का मॉनसून पे कैसे इंपैक्ट होता है, लेकिन फिर भी इंपैक्ट है, जितना समझ पाई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा है, लेकिन जिसे हम बोलते हैं ना कि श्योर शॉट 100% अभी भी नहीं समझ पाई है। ठीक है, तो ऐसा, और दूसरी साइड साउथ अमेरिका में जो डीप सी अपवेलिंग होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं, तो वहां की फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बून है, इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए बून है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एल नीनो। अभी एल नीनो क्या है, जिसे हम अच्छा नहीं मानते जी, एल नीनो, एल नीनो इन टू दिस प्रोसेस रिवर्सिस, एल नीनो में क्या है जी, ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, जो पेरू से एशिया की तरफ, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ ठंडी हवा, सॉरी वार्म विंड्स चल रही थी, अभी वो उल्टी हो गई, अब वो विंड्स पेरू की तरफ चलेंगे और पेरू में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इन एल नीनो दिस प्रोसेस रिवर्सिस, विंड्स विच ब्लोज फ्रॉम पेरू कोस्ट टू वेस्टर्न पैसिफिक वीकन्स एंड हॉट वाटर स्प्रिंग फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये देखो जी क्या हो गया, इधर हो गया उल्टा, हमें फर्स्ट फिगर में क्या दिख रहा है, नॉर्मल सिचुएशन, या हम इसे बोल सकते हैं लानीनो सिचुएशन, लानीना सिचुएशन। ठीक है जी, ये देखो हमें पेरू में क्या दिख रहा है, ठंडा पानी,
कूल वाटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से ये जो रेड कलर में हमें दिख रही हैं जो ट्रेड विंड्स हैं, इक्वेटोरियल करंट स्ट्रांग हो गई, ठीक है। जो ट्रेड विंड्स हैं ऊपर देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये रहा जो मैंने मार्क कर दिया ट्रेड विंड्स, ठीक है जी। ट्रेड विंड्स जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, इंडिया की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छी रेनफॉल, डन। नीचे वाली फिगर पे आओ, एल नीनो सिचुएशन में क्या हो गया, ये देखो जी उल्टा हो गया, ठीक है। पेरू पे हम यहाँ पे में क्या दिख रहा है, ये जो ऊपर वाली फिगर में ठंडा पानी था अब यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पे वार्म वाटर हो गया, दिख रहा है जी वार्म वाटर लिखा हुआ, यहाँ पे क्या गया वार्म वाटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, ठीक है जी। इट वीक्स पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट वीक हो गई और प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, प्रेशर डिक्रीजेस, लो प्रेशर हो गया। और जो विंड्स उधर जाती थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है जी, अभी वो विंड्स कहाँ पे आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग जो करंट है, ठीक है, जो वार्म करंट है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही थी पहले, अभी वो ऑस्ट्रेलिया से या वेस्टर्न पैसिफिक से, ये देखो अपने को दिख रही है जी, पेरू की तरफ आ रही है, ये दिख रहा है ना रेड वाला एरो, स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट, ठीक है जी। तो ये जो वार्म वाटर की करंट पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही थी, अभी ये करंट्स पेरू की तरफ जा रही है, साउथ अमेरिका की तरफ जा रही है, ठीक है। और इससे क्या है जी, साउथ अमेरिका में क्या हो गया, लो प्रेशर, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वेस्टर्न पैसिफिक में क्या हो गया, हाई प्रेशर। और यहाँ पे हमारे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, मॉनसून वीक हो गया जी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, लेसर रेनफॉल, लेसर रेनफॉल, ठीक है जी। और पेरू में क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो यहाँ पे होगी हायर रेनफॉल, देन उल्टा हो गया, ये पूरा प्रोसेस चेंज हो गया, ठीक है जी। सो इन एल नीनो दिस प्रोसेस रिवर्सेस विंड्स व्हिच फ्लोस फ्रॉम पेरू कोस्ट टू वेस्टर्न पैसिफिक वीकेंस एंड हॉट वाटर स्प्रिंग फ्लोस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हॉट वाटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, उल्टा हो गया, देन इट रिजल्ट्स वार्म वाटर एक्युमुलेटेड एट पेरू कोस्ट, ठीक है। पेरू पे क्या हो गया, वार्म वाटर हमें सेकंड फिगर में दिख रहा है जी, लो विच जनरेट्स लो प्रेशर एंड वीकेंस अपवेलिंग ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अपवेलिंग है वो भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर लॉस टू फिशरीज इंडस्ट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, जो हमने पहले डिस्कस किया है जी, ठीक है। इट वीकेंस मॉनसून विंड which results low rainfall in Indian subcontinent and Southeast Asia. इससे जो मॉनसून विंड्स हैं वो वीकन हो जाती हैं, जिसके कारण भारत में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया में कम बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार बारिश 20% तक ही रह जाते हैं, उससे भी कम चली जाती है, ठीक है। एल नीनो का इतना इंपैक्ट होता है हमारे मॉनसून पे, ठीक है जी। तो ला नीना हमारे लिए पॉजिटिव है, एल नीनो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है। Impact on Indian economy. El Nino leads to drought in Indian agriculture, adversely impacting India's agricultural output. ठीक है जी, क्योंकि भारत की खेती बहुत बड़ा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून विंड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे हमारे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इंपैक्ट होता है, डन। हमारी आउटपुट कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, डन। एल नीनो डायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी एज इट टेंड्स टू लोअर द प्रोडक्शन ऑफ समर क्रॉप्स such as rice, sugarcane, cotton and oil seeds, ठीक है जी। इन सारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन अफेक्ट होती है जी, किससे, एल नीनो से। देन नेक्स्ट, शॉर्टेज इन फूड सप्लाई देन रिजल्ट इन स्पाइक इन फूड प्राइसेस, देखो इससे क्या, फूड सप्लाई की शॉर्टेज होती है, कम पैदावार होगी तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी, प्राइस राइज हो जाएंगे, एंड द कंट्री पुशिंग इन्फ्लेशन अप, और इसके कारण क्या होते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, तो ये अगेन हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है जी। नेक्स्ट, 10 of the last 15 droughts were led by El Nino events, जो हमारे पिछले हमने droughts देखे इंडिया में, ठीक है जी। तो 15 में से 10 ड्रॉट ऐसे हैं जो एल नीनो के कारण देखे गए हैं, ठीक है जी। इफ द ड्रॉट इज सीवियर इट वुड ड्राई अप मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इसके कारण जो हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वो क्या ड्राई अप हो जाती हैं, ठीक है, लीडिंग टू वाटर क्राइसिस लाइक सिचुएशन, ठीक है। इसके कारण वाटर क्राइसिस हो जाता है कंट्री में, और भी बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो एग्रेरियन है, और इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूशन है एग्रेरियन सेक्टर की, तो ये पूरा एग्रेरियन सेक्टर है जो हमारा
ये इम्पैक्ट होता है, ठीक है जी। तो इसकी वजह तो मतलब जब एल नीनो होगा तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, जब ला नीना होगा तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो इस साल हमें क्या देखने को मिला जी, एल नीनो 2023 में, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, पेरू से साउथ अमेरिका से या पेरू से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ गर्म हवाएं चल रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में इन रीजन्स में बारिश कर रही हैं। और एल नीनो में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ये जो वार्म विंड्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ चल रही हैं, जो पेरू में हाई लो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं और वार्म वाटर बना रही हैं, जिसके कारण जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न पैसिफिक है यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है। दिस इज एल नीनो एंड ला नीना। होपफुली आपको काफी इजी लगा होगा जी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, वेदर पैटर्न जब चेंज होता है, ठीक है, जब हवाएं चेंज होती हैं, प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, दैट इज एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। तो दुआ करो हमारे लिए ला नीना ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, और जो बच्चों के डाउट्स थे एल नीनो ला नीना को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो मेरे को बताना, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, ताकि जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है बाकियों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाए, ठीक है। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है जी। बाय बाय।